परिमंडलीय कार्यालय के निर्देशानुसार मुख्य डाकघर मंडी परिसर में ग्राहक मीट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निरीक्षण डाकघर मंडी दक्षिण परमजीत सिंह ने की। इस अवसर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स की तरफ से प्रबंधक बोधराज और मुख्य डाकघर डाकपाल मंडी सुनीता भी विशेष रूप से मौजूद रही। उत्तर उपमंडल निरीक्षक डाकघर मंडी राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ग्राहक मीट में डाकघर ग्राहकों की शिकायतें सुनी गई और उनका निवारण किया गया। साथ ही डाकघर मंडी में प्रदान की जाने वाली लघु बचत योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राजकुमार ने बताया कि इसके साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने का उद्देश्य जमीनी स्तर तक योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। कांग्रेस विधायक सुजानपुर राजेंद्र राणा की गृह पंचायत पटलांदर में लोगों की ओर से बिजली के अघोषित कंडों की समस्या जनमंच में उठाने के बाद मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता को संबंधित कनिष्ठ अभियंता पर कार्रवाई के आदेश दे दिए। बिजली की समस्या पर मंत्री ने मौके पर ही जेई के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उपायुक्त हरकेश मीणा ने कहा कि बिजली की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता को जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर मामले में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जेई को चार्जशीट किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच के दौरान 64 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर विद्युत विभाग के कर्मियों की लापरवाही और एचआरटीसी बसों की कमी को लेकर थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। उन्होंने कहा कि विभागों को 15 दिन के भीतर जन समस्याएं निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बिजली बोर्ड के अधिकारियों को फील्ड में जाने के लिए और लोगों की जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के आदेश भी दिए गए हैं। एकल अभियान नूरपुर बाग कार्यालय राजा का तालाब में एक दिवसीय महिला वर्ग का आयोजन किया गया। वर्ग की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश की संभाग महिला विभाग प्रमुख बेगमा नेगी द्वारा की गई। इस वर्ग में बाग नूरपुर के 5 अंचलों चंबा, नूरपुर, भटियात, नगरोटा, सूर्या व बरमोर की महिलाओं ने भाग लिया। इस वर्ग में महिला संगठन और पंचमुखी शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। वर्ग में लगभग 20 महिला समिति ने भाग लिया। इस वर्ग में बेगमा नेगी ने नारी शक्ति को सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। एकल अभियान द्वारा गांव-गांव में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके प्रति भी महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में शनिवार को SFI और ABBP छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं में हुई लड़ाई के खिलाफ दोनों ही संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां SFI ने कॉलेज परिसर गेट पर तो ABBP ने DC ऑफिस गेट पर धरना प्रदर्शन किया। दोनों ही संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप भी लगा रहे हैं। हमीरपुर डिग्री कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे SFI के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ABBP के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, जिस पर शनिवार को लड़ाई हुई और पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन मांग करती है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कॉलेज में बाहरी लोगों के आने पर पूर्ण प्रतिबंध हो। वहीं उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ABBP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि SFI के कार्यकर्ताओं ने ABBP के कार्यकर्ता पर हमला कर उसे घायल किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन लड़ाई में शामिल सभी SFI कार्यकर्ताओं को कॉलेज से निकाले और उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाए। वहीं उन्होंने कॉलेज में बाहरी लोगों के आकर हमला करने की जाँच की मांग भी की। हमीरपुर में ISI मानकों पर फ्लोर टाइल्स निर्माण करने वाली साई फ्लोर टाइल्स ने अपने शोरूम का उद्घाटन
हमीरपुर सुजानपुर रोड पर ब्लू स्टार स्कूल के समीप किया है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कंपनी के मालिक रमेश कुमार ने कहा कि पहले लोगों को टाइल्स के देखने व अन्य जानकारी लेने के लिए कंपनी की फैक्ट्री मझोग सुल्तानी जाना पड़ता था। उसी समस्या को दूर करने और नए टाइल्स के मॉडल्स को दिखाने के लिए शोरूम को खोला गया है। आपको बता दें कि साई फ्लोर टाइल्स ISI मानकों पर सीमेंट के पेवर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स आदि के हर डिजाइन का निर्माण करती है।